हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लास में। तो आज इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं यानी मानव जनन मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, ये हमारा चैप्टर 7वां है। जे यूपी बोर्ड के अनुसार कौन सा 7वां चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है जो हर साल ही ना पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आगे आपको बताऊंगा। ये मतलब वो हर साल ही ना पूछे जाते हैं कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, यहाँ से जनरली एमसीक्यू फ्रेम होते हैं। फिर भी हम लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे आप इस वीडियो में, और आपको सॉल्व करना सिखाएंगे क्वेश्चन को, ठीक। तो हमने सीधी पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, वन शॉट है ये आपकी। तो चलिए स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखना है और हमारे साथ लगाना है। आपको तैयारी एक नेक्स्ट लेवल तक करनी है जिससे हमें दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम एमसीक्यू पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब देखो पहला हमारा क्वेश्चन है बेटा, इसमें कह रहा है शर्करा, इसमें पहला कह रहा है बेटा, क्या बोला है? देखो शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक कौन सा है? शर्करा से, यानी यहाँ पर बोला शर्करा क्या चीज़, तो शर्करा का सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी, शर्करा आखिर क्या चीज़, जितनी चीज़ें मीठी होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शर्करा। क्या बोलते हैं उसे? शर्करा। तो शर्करा से एल्कोहल का मतलब दारू शराब की बात हो रही है यहाँ पर, एल्कोहल। तो एल्कोहल किससे बनाते हैं, कौन सा फंगस लेते हैं? फंगस यानी कवक लेते हैं, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। क्या बोलते हैं? फंगस। यानी कौन सा इसमें फंगस लेते हैं जिससे एल्कोहल बनता है? तो एक है हमारा पेनिसिलियम, और एक है म्यूकस और राइजोपस, एक है राइजोपस और ईस्ट है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसमें एक पेनिसिलियम है, और पेनिसिलियम से क्या चीज बनाई जाती है? पेनिसिलियम से एंटीबॉडी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? एंटीबायोटिक। इससे क्या चीज बनाई जाती है? एंटीबायोटिक बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? पेनिसिलियम से बनाई जाती है। पेनिसिलियम से क्या चीज बनाई जाती है? एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है। और इसकी खोज किसने करी थी? पेनिसिलियम की खोज बेटा किसने करी थी? अलेक्जेंडर ने करी थी। किसने करी थी? अलेक्जेंडर ने करी थी। अलेक्जेंडर ने की थी। कब करी थी? 1928 में करी थी। कब करी थी? 1928 में करी थी। अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। कब करी थी? 1928 में की थी। और इसे एंटीबायोटिक के रूप में सन 1942 में एंटीबायोटिक के रूप में सर्वप्रथम इसे यूज किया गया, यानी चिकित्सा में इसे यूज किया गया। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। और ये पूरे वर्ल्ड में सन 1943 में पूरे वर्ल्ड में इसे क्या हुआ? चिकित्सा में इसे यूज करने लगे। तो इसलिए अलेक्जेंडर को सन 1928 में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? अलेक्जेंडर को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। किससे? नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर ने किसकी खोज करी थी? पेनिसिलियम की खोज करी थी। और इन्हें पेनिसिलियम से क्या चीज बनाई थी? पेनिसिलियम से इन्हें एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई थी। एक जो पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम क्या है? कवक है। क्या है बेटा? कवक है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इसमें है बेटा ईस्ट का यूज कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर ईस्ट का यूज हम किस में करते हैं? डबल रोटी बनाते हैं, तो इसमें ईस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ईस्ट में। जब हम ईस्ट डाल देते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो वहाँ पर क्या यहाँ से क्या प्राप्त होने लगती है? यहाँ पर CO2 हमें प्राप्त होने लगती है। क्या उन्हें प्राप्त होने लगती है? क्या चीज़ प्राप्त होने लगती है जब ईस्ट डाल देते किसी चीज़ में? तो वहाँ पर CO2 प्राप्त होने लगती है। वहाँ से CO2 क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। जब मान लो आटे में हमने अगर CO2 डाल दी, तो क्या होगा? वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहाँ पर क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और वहाँ पर आटे में छोटे छोटे छिद्र होने लगेंगे। यानी मैं आपको बताऊँ, बबल बनने लगेंगे आटे में। आपने देखा हो जलेबी बनते, क्या देखा होगा? जब जलेबी बनती है तो उसमें क्या डालते हैं? तब उसमें ईस्ट का उपयोग करते हैं। जब आपने देखा होगा बर्गर बनाते हैं, बर्गर में जो डबल रोटी होती है ना, उसमें भी ईस्ट का उपयोग करते हैं। ईस्ट एक फंगस है। क्या एक? ईस्ट एक फंगस है, और ईस्ट का उपयोग करते हैं। पिज्जा बर्गर अब आपने खाए होंगे, तो सारे के सारे किससे बने होते हैं? ईस्ट से बने थे। ईस्ट का दूसरा नाम क्या है? खमीर है। ईस्ट का दूसरा नाम क्या है बेटा? ईस्ट का दूसरा नाम क्या है बेटा? खमीर है।
खमीर, क्या नाम है खमीर, खमीर एक क्या है बेटा कवक है, क्या है बेटा कवक है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा एक क्वेश्चन से आप चार पांच क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। तो सरकरा बनाते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ईस्ट का उपयोग करते हैं। जब हम एल्कोहल बनाते हैं तो जौन से कवक लेते हैं उसका नाम क्या है, ईस्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला बेटा क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला बेटा निम्नलिखित, पहले ऊपर वाला देखें, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है, यानी बीटी जीव, बीटी जीव, बीटी की जब फुल फॉर्म होती है बेटा बेसिलस, बेसिलस, बेसिलस थोरियन जिनेसिस, ठीक है, बेसिलस थोरियन जिनेसिस बीटी की फुलफॉर्म होती है। और बेसिलस थोरियन जिनेसिस एक क्या है बेटा, जीवाणु है, क्या है बेटा जीवाणु है, क्या है बेटा एक जीवाणु है, बेसिलस थोरियनसिस क्या है एक जीवाणु है। इस जीवाणु से क्या चीज प्राप्त की जाती है, इस जीवाणु से, इस जीवाणु से क्या प्राप्त की जाती है, इस जीवाणु से प्रोटीन प्राप्त की जाती है, प्रोटीन, प्रोटीन कैसी, टॉक्सिक प्रोटीन, टॉक्सिक प्रोटीन प्राप्त की जाती है। और कैसी फॉर्म की जाती है, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में प्राप्त की जाती है, यानी असक्रिय, असक्रिय, असक्रिय अवस्था में से प्राप्त किया जाता है, यानी जीवाणु से असक्रिय अवस्था में प्रोटीन को प्राप्त किया जाता है। ये प्रोटीन कैसी होती है, टॉक्सिक होती है, कैसी होती है, टॉक्सिक होती है। और इसे बीटी कपास में, किसी में बेटा, बीटी, बीटी कपास, बीटी कपास में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट करा दिया जाता है, क्या क्या करा दिया जाता है, इंजेक्ट करा दिया जाता है। यहाँ पर जब इसमें इंजेक्ट करा देते हैं हम, तो ये कहाँ पर, कहाँ पहुँच जाता है, ये कहाँ पहुँच जाता है, ये बीटी कपास में, ये पूरे प्लांट बॉडी में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब इस प्लांट को कोई कीट खाता है, कोई इंसेक्ट खाता है या फीड करता है, किसको, कपास को, बीटी कपास को, जब बीटी कपास इसको खाएगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी में प्रेजेंट कौन सी, टॉक्सिक प्रोटीन, यानी टॉक्सिक प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, क्राई प्रोटीन, क्या होता है, क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, कैसी होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो जैसे ही क्राई प्रोटीन उसके इंसेक्ट के बॉडी पहुंच जाती है, वैसे वो एक्टिव होने लगती है, जैसे उसे एल्कलाइन माध्यम मिल जाता है, वैसे ये टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाती है और इंसेक्ट मर जाता है। तो उसकी बात मैंने पूरी आपको हिस्ट्री बता दी बीटी कपास से, आपके एग्जाम में थी। अब यहाँ पर पूछा बीटी कपास विष किस जीवाणु से प्राप्त होता है, तो हमने आप, हमने यहाँ पर आपको बता दिया बेसिलस थोरियन जेनेसिस, तो उसमें कौन सा है, बेसिलस थोरियन जेनेसिस खा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन, निम्नलिखित में से कौन पादप के साथ सजीवी संबंध रखते हैं, यानी प्लांट के साथ कौन अपना दोस्त बनाना चाहता है, इसमें पादप के साथ, पादप के साथ, एक राइजोबियम है, ठीक, माइकोराइजा, ये दो ऐसे हैं, राइजोबियम और माइकोराइजा, ये ऐसे ऐसे फंगस हैं, कौन है बेटा, ये कवक हैं, कौन है ये कवक, और ये प्लांट के साथ, प्लांट के साथ क्या क्या करते हैं, प्लांट के साथ सहजीवता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं, ये इनकी जड़ों को, प्लांट की जड़ों को क्या पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशन या पानी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। तो सजीवता कौन प्रदर्शित करता है, राइजोबियम और माइक्रोराइजा करता है। और राइट स्टूडेंट, अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण यानी जैव विघटित का प्रदूषक है, प्रदूषक कौन है, जैव विघटित का प्रदूषक है, तो क्या इसमें से बेटा, इसमें से होता है बाह्यत मल, कौन होता है, बाह्यत मल, आंसर इज करेक्ट, बाह्यत मल, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं,
अगला क्वेश्चन है इसमें से आनुवांशिक रूपांतरित पौधा है, आनुवांशिक रूपांतरित कौन है? देखो बीटी कपास आनुवांशिक रूपांतरित है, बीटी मक्का, यस गोल्डन राइस, यस इनमें से सभी। करेक्ट आंसर कौन सा है? इनमें से सभी। इनमें से सभी, सभी लगा लिए इसमें से। आनुवांशिक गोल्डन राइस आनुवांशिक कन्वर्टर किया गया है बीटी के पास, ये भी पौधा और ये भी पौधा, इसमें से सभी आंसर सही है। इसमें अगला क्वेश्चन है बेटा, उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीवी गैसों का निष्कासन करते उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। यानी उपापचय के द्वारा उपापचय के दौरान सूक्ष्मजीव गैसों का निष्कासन करते हैं उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। किण्वन, किण्वन से आप क्या समझते हैं? एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। किण्वन यानी फ्रेगमेंटेशन होता है, ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। खमीर यानी ईस्ट द्वारा ग्लूकोज शर्करा में विलयन में CO2 उत्पन्न होती है, बिल्कुल होती है। तो देखिए किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो हमने चावल ले लिया, आटा, दाल और बना नरम नरम आटा जिसका प्रयोग डोसा इडली बनाने में होता है। बिल्कुल पता है आटा चावल लेते हैं और इससे इडली और डोसा या पिज्जा बर्गर एक्स्ट्रा ये चीज़ें बनाते हैं। तो जीवाणु द्वारा किण्वन होता है, हमको भी पता है जीवाणु द्वारा प्रकट किण्वन होता है। तो इस आटे का फूला हुआ दिखना CO2 का उत्पादन का कारण होता है। मान लीजिए आपने आटा लिया और आटा में आपने क्या डाल दिया? ईस्ट डाल दी, और जैसे ही आटा फूल जाता है तो क्यों फूलता है? CO2 के कारण फूलता है। क्यों फूलता है? CO2 के कारण फूलता है। मान लीजिए हमने ग्लूकोज ले लिया यहाँ पर और ग्लूकोज में किण्वन करा दिया, किण्वन कराने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ C2H5OH। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमको प्राप्त हो गई। ऑल राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन। मक्खी किधर बैठ गई बेटा? मक्खी 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 मच्छर। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसमें दिया क्वेश्चन देखो 2000 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2018 में 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2018 में और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये इसमें लिखा है किस भोज आहार में लैक्टिक एसिड एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं, इनके कुछ लाभप्रद उपयोग का वर्णन कीजिए। लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। दूध से दही दूध से दही बनने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। दूध से दही बनने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। यानी दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक, अब मान लीजिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल जाता है। कौन सा बदलता है बैक्टीरिया? कौन सा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक, और ये दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? दही में कन्वर्ट करता है। ये दूध की शर्करा लैक्टो शर्करा को लैक्टिक एसिड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है? दूध का क्या बना देता है? ये दही बना देता है। और लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन कैसीन को जमा कर दही में परिवर्तित करती है, दही में परिवर्तित कर देती है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु बहुत महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने से रोकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है? यानी जो चाय हमारे देखते हैं, चाय पत्ती बनती है, क्या बनती है? चाय पत्ती बनती है। तो उसमें किस
किस सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका किण्वन कराया जाता है, यानी फ्रेगमेंटेशन कराया जाता है। तो एक एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तीन हो जाएंगे, पांच करा देना है। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। सिरका के उत्पादन में, यानी सिरका बनाते तो उसमें किसका उत्पादन किया जाता है। सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। पांच क्वेश्चन करा दे रहे हैं एनसीईआरटी के, फिर अगली वीडियो अगली क्लास कराएंगे सुबह मॉर्निंग वाली में। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन लिखा है एनसीईआरटी क्वेश्चन है 2019 में 20 में 18 में पूछा गया था, बायतमल से आप क्या समझते हैं, बायतमल हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है, बायतमल प्रदूषण क्या है। प्रतिदिन नगर और शहरों से यानी खराब जो जल और बड़ी बड़ी मात्रा में जमा होता है, यानी खराब जितनी गंदगी होती है वो बड़े बड़े शहरों से निकल के आता रहता है। आपको पता होगा बड़े बड़े शहर है और फैक्ट्रियों से बायतमल निकल के आता है। इसका व्यर्थ जल प्रमुख घटक मनुष्य मल मूत्र नगर में से इस व्यर्थ जल को बायतमल या सीवेज कहते हैं। ठीक है, हमें बड़ी बड़ी कंपनी या फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी होता है उसे सीवेज या बायतमल कहते हैं। और राइट ब्यूटीफुल स्टूडेंट, अब वायतमल या सीवेज में कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांश रोगजनक काय होते हैं। वायतमल में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कैसी होती है, कमी होती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थों का विघटन नहीं होता है। ठीक, इसके फलस्वरूप वायतमल वातावरण को प्रदूषित करते हैं। मैंने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिए, पांच क्वेश्चन आज करा दिए, और अगली क्लास में अगली वीडियो आगे बताएंगे। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट पास आउट कर सकते हो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर ये वीडियो पब्लिक है तो। प्राइवेट वीडियो है तो आपको बिल्कुल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।